जयपुर के चाकसू में आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की बड़ी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस अनावरण कार्यक्रम में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह कहा भी नहीं गया था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रायोजक वेद सोलंकी लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि किसी चुनावी सभा के अलावा एक बार फिर करीब 2 साल बाद कांग्रेस के ये दोनों महारथी किसी चुनावी सभा के इधर किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कार्यक्रम में जहां पायलट कैंप के विधायक तो शामिल थे ही, इसके साथ ही AICC के सचिव तरुण कुमार और विधायक इंदिरा मीणा और प्रशांत बैरवा भी शामिल हुए, जो गहलोत कैंप के माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान तरुण कुमार ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की गूंज दिल्ली तक जाएगी। यहां पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भाई वेद प्रकाश सोलंकी जी ने रखा है और इसकी गूंज सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना सिर्फ जयपुर में बल्कि दिल्ली तक यह चर्चा है कि जयपुर के पास चाकसू में अंबेडकर साहब की मूर्ति कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर के यहां पर स्थापित की है। तो वहीं सचिन पायलट ने भाजपा के ऊपर हमला करते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुरूपिया पार्टी है जो केवल वोट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल का नाम लेती है। छात्र हैं और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, बाकी साथियों ने बोला, प्रशांत जी ने बोला, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसानों की मजबूती, दलितों की, गरीबों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और जो लोग झांसे देते हैं, लचीले भाषण देते हैं, लोगों में टकराव पैदा करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, दंग को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि दूरियां बढ़ा दो, फूट डाल दो, राज कर लो, उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम आप सबको करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से 130 साल से इस देश प्रदेश की सेवा करती आई और आगे भी करती रहेगी। आज अंबेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो आप लोगों की बदौलत मिल रहा है। वो लोग जो अंबेडकर साहब को देखते तक नहीं थे, जो सरदार पटेल जी को देखते तक नहीं थे, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपके दबाव में कर रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये लोग पाखंड के माहिर हैं, इनको अंबेडकर साहब से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब वोट लेनी होती है, जब राज की बात आती है, सिंहासन की बात आती है, तो ये तो बड़े बहुरूपिये हैं, ये किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी को डोर दे सकते हैं। इसलिए अंबेडकर साहब का जो वादा रहा देश को एक रखने का, उसको सिर्फ कांग्रेस पूरा कर सकती है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कैबिनेट में मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निधन के बाद खाली हुई दलित की सीट को एक बार फिर भरने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मास्टर मोहनलाल मेघवाल के निधन के चलते एक दलित मंत्री की सीट खाली हुई है, उसे जल्द ही सरकार भरे। अंबेडकर की मूर्ति है और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्ट धातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है। नहीं मिला अंबेडकर साहब के नाम पर, कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई उनके नाम पर, बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो वरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा है। हम लोगों को अलग अलग कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आज हम लोगों की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां संभव होगा वहां हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी भाई बहनों को हम प्रतिनिधित्व देंगे। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा समय हो गया, वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्द ही दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहां राजस्थान की सरकार में जगह देंगे, जो जगह खाली हो गई मार साहब जाने के बाद।
चाहिए। प्रतिमाओं का अनावरण एक उद्देश्य के साथ किया जाता है और प्रतिमाओं का अनावरण पूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ किया जाता है। प्रतिमाओं का अनावरण सबको साथ लेकर किया जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आनन फानन में आप किसी का मूर्ति का कहीं जाकर रख दो, ना पूछो ना बताओ, उस प्रकार के काम करने से मैं समझता हूं कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। इसलिए आज जो हमने कार्यक्रम किया है विधिवत रूप से किया है, सबको साथ लेकर किया है, पूरी परमिशन के साथ किया है ताकि लगे कि हम सब लोग अनुशासित हैं और हम कानून के दायरे में रहकर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी वादा किया कि जिस तरीके से दलितों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती रही है, राजस्थान में भी पद देने के लिए कांग्रेस पार्टी दलितों के हमेशा साथ रहेगी। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।